पूरी बनाने के लिए हमें जो इस जीरो की ज़रूरत है वो सिर्फ तीन चीज़ें होती हैं, एक सूजी, दूसरी ऑल पर्पस मैदा और एक 1/4 कप वाटर, हॉट वाटर। एक कटोरी सूजी में हमें 2 चम्मच, इस तरह से 2 चम्मच मैदा मिलानी है और इस पे बहुत ही गर्म पानी, जो कि ये बहुत ही गर्म पानी अभी हमने किया है, उसको लेकर मिक्स कर देना। इतना ही पानी हमें इसमें डालना है, ना इससे कम ना ज़्यादा, और इसको हमें ऐसे मिला देना है। इसमें हमें ना कोई मोयन डालना है, ना ही कोई हमें इसमें नमक डालना है। इस तरह से मिक्स करके अच्छे से, इस तरह से मिक्स करके, क्योंकि सूजी फूलती है इसलिए हमारा ये सारा पानी अभी एब्जॉर्ब कर लेगा। ये हमारा मिक्स हो गया है। अब हमें इसको 15 मिनट के लिए ढककर रख देना है रेस्ट करने के लिए। अब हमारा आटा रखे लगभग 15 मिनट हो चुके हैं और अब ये अच्छे से सॉफ्ट भी हो चुका है। अब इसकी हमें लोइयां बनानी स्टार्ट करनी होगी। अब हमारा ये आटा रेडी हो गया। अब हमें इसको करने के लिए हल्का सा हाथ में सूखा आटा मिलाते हुए इसकी छोटी छोटी लोइयां तोड़नी है। पहले हम इसकी एक ऐसे लोई तोड़कर ऐसे पेड़े बनाकर अलग रख लेंगे। अब इसकी हमें छोटी छोटी लोइयां काट लेनी है। इसमें हल्का हल्का सूखा आटा लगाते जाना है जिससे कि एक दूसरे से चिपके नहीं। अब इसमें हल्का सा सूखा आटा डालकर और इसको इस तरह से हिलाकर कर ले जिससे कि हमारी लोइयां रखे हुए आपस में चिपके नहीं। अब हम इनको छोटी छोटी लोइयों को गोल गोल आकार में बेल लेंगे। इनको बहुत बारीक पतला नहीं बेलना है, थोड़ा सा ठीक ही बेलना है, लेकिन ये एक बराबर हो जिससे कहीं पतला कहीं मोटा ना आए। इस तरह से बेलते हुए हमें अभी एक इसका सीक्रेट है जो आपको हम बताते हैं। इसको बेलकर हमें एक प्लास्टिक में इस तरह से रख कर इकट्ठा करनी है। एक प्लास्टिक को प्लास्टिक में इसलिए कि इससे उठाने में आसानी रहती है और थोड़ा नीचे इसका मॉइस्चर बना रहता है। इसी तरह से हमें साड़ी बेल कर तैयार कर लेनी है। हमने इन्हें 15 मिनट के लिए इसी तरह सारी बेल कर छोड़ रखी थी। अब हमारी ये तलने के लिए तैयार है। हमने तलने के लिए आंच को तेज करके फिर उसको मीडियम में लेकर आकर डालना है और दबाते हुए इसको फुलाना है। और फिर उनको पलट कर दूसरी तरफ भी उसी तरह सेक लेनी है। अब हमारी ये सिककर तैयार है और ये हमारी सफिशिएंट क्रिस्पी बनी हुई है। आप इन्हें देख सकते हैं, ये इस तरह से क्रिस्पी बनी हुई है। इसी तरह से हमें बाकी भी सेक
सेक लेनी है, इसको डालकर फुलाना है दबाते हुए। जब एक फूल जाए तब दूसरी डालें। और जो पहले वाली है उनको पलटते चले। बहुत ज्यादा एक बार में ना डालें, नहीं तो फिर सेकने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसी तरह से हमें बाकी भी सेक लेनी है। ये हमारी देखिए कितनी क्रिस्पी बनी हुई है, ये दोनों साइड से ही इतनी टाइट है, ये आप आवाज सुन सकते हैं, ये नीचे की तरफ से भी है और ऊपर की तरफ से।